हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। प्यार बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 13 महत्वपूर्ण रिएक्शंस को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, ये जो 13 जो आज हम अभिक्रियाएं देखेंगे, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और बात करें हर एक सेट में, हर एक पेपर में कम से कम 5 नंबर तो ये देकर ही जाएगा। बहुत सारे सेट में तो 8-9 नंबर तक मिल जाते हैं, लेकिन एक जो 5 नंबर वाला बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्या होता है जब, चाहे उसको करिए अथवा में करके आपको रिएक्शन देगा। जैसे उड्स अभिक्रिया, उड्स फिटिंग अभिक्रिया, और उसके बाद एल्डोल संघनन हो गया, रोजेन मुंड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। तो ये टॉपिक क्या है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए पहले रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, उड्स अभिक्रिया। और फिर से आपको बता देते हैं, इसे हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको 5 नंबर चाहिए रसगुल्लों, तो ये अभिक्रिया आपको 100% मान के चलिए तैयार करना ही होगा, ठीक है ना। मजाक में मत लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगर यकीन ना हो तो किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और देख लीजिए, आपको 3 से 4 रिएक्शन इसमें से तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहला है जो उड्स अभिक्रिया। देखिए, उड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। जब बच्चों एल्किल हाइलाइड के दो अणु, एल्किल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, तो एल्केन प्राप्त होता है। तो पहले हमने जो लिखा बच्चों फार्मूले की तरह, एल्किल हाइलाइड, R बोले तो एल्किल। अब R की जगह एल्किल का मतलब चाहे CH3 लिखिए बच्चों, या फिर C2H5 लिखिए, ठीक, या फिर C3H7 इस तरह से, यानी मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल, कुछ भी ऐसे लिखते चले जाइए, है ना। इसे अपन R से दर्शाते हैं, तो इसी को कहा जाता है एल्किल, क्या कहा जाता है, हाइलाइड। जब एल्किल हाइलाइड की के दो अणु, RX एक अणु हो गया, RX यहाँ, हाइलाइड का मतलब क्या है, X मतलब हाइलोजन तत्व, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हो गए बच्चों आपके हाइलोजन तत्व। तो वही कह रहा है, जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु हैं, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में बच्चों किससे, सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन का मतलब, जैसे अगर हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो भाई C2H6 हो गया, यहाँ से एग्जाम्पल भी तो हमने रखा, ये एल्केन प्राप्त हो गया, और ये क्या है, जैसे यहाँ पे Na था और X था, तो NaX। अब यहाँ पे X के स्थान पे, जैसे ये एक समझ लीजिए एक प्रकार का फार्मूला है बच्चों, और यहाँ पर ये रखा गया है। अब इसमें देखिए क्या है, CH3 है, Cl, CH3 यानी मेथिल, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है, यहाँ से X जो है ये हैलोजन तत्व, तो इसका नाम मेथिल क्लोराइड। सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे और इसके दो अणु लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा, ये C2H6, तो ये बन गया एथेन और ये सोडियम क्लोराइड, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2Na था और 2X है, तो इसे 2NaX, यानी वही चीज़ इसी पे अपन यहाँ से रख दिए हैं, ठीक है ना। तो ये 2Na है इसलिए 2 लगा दिया, 2Cl है इसलिए 2 लगा दिया यहाँ पर, ठीक, बात बराबर। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं बच्चों, उड्स फिटिंग। देखिए एक है उड्स अभिक्रिया, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा है बच्चों उड्स फिटिंग अभिक्रिया। वैसे दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उड्स अभिक्रिया और उड्स फिटिंग अभिक्रिया। ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई एक ही महत्वपूर्ण है, दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपके हर साल रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक, इसलिए इन पर फोकस आपको ज़्यादा करना अगर आपको 5 नंबर चाहिए। उड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है बच्चों, सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या होता है कि जब एक अणु एल्किल हाइलाइड, उसमें क्या था, ध्यान से देखिएगा, उसमें दोनों के दोनों एल्किल थे, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, जब एक अणु एल्किल हाइलाइड और एक अणु एरिल हाइलाइड, ठीक है ना, एल्किल हाइलाइड यहाँ से RX है तो एल्किल हाइलाइड, और यहाँ से ARX है तो एरिल, AR से आर्गन मत समझ लीजिएगा, एरिल हाइलाइड,
को क्या करते हैं बच्चों, शुष्क ईथर, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ईथर ही होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, इसमें भी सोडियम धातु होता है, से क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। जैसे ये फार्मूला है और इस पे रखा गया AR, यानी क्या है, एरीन समूह। जैसे एरीन, देखिए एरीन में क्या आता है, बेंजीन, जैसे यहाँ पर बेंजीन रख लिया, और RX है, R का मतलब CH3, चाहे C2H5, चाहे C3H7 कुछ रखिए, X मतलब चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अभी हमने यहाँ पर बताया आपको ये चीज़। तो ये क्या है, जब एक अणु एरिल हाइलाइड और दूसरा एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं बच्चों, तो एल्किल एरीन, ठीक है ना, एल्किल एरीन प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर रखा है बेंजिल क्लोराइड, ठीक, सोडियम है, और यहाँ से मेथिल क्लोराइड, तो यहाँ से क्या बन गया, C6H5Cl, यानी क्या है, इसमें एल्किल और एरीन, ये एरीन है और ये एल्किल है, ठीक, तो दोनों हैं, और यहाँ पे दो Na था तो दो लगा है, और यहाँ Cl, यहाँ Cl है Cl, तो यहाँ पर भी दो लगा है, दोनों बैलेंस है। बात समझ में आ गई, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरी अभिक्रिया है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अब की साल 2 से 3 सेट में ये पूछा गया था, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है हमने, ठीक है ना, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से देखेंगे तो आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा, ठीक, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और छाप डालिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि आप एक बोलते हैं कि हमें सर अच्छा नंबर चाहिए, तो मेहनत तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा ना। चलिए देख लेते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या कहता है। जब क्या होता है बच्चों, निर्जल, निर्जल यानी जिसमें जल की मात्रा ना हो, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया बच्चों मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टालुइन बनता है, और इस अभिक्रिया को ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये क्या है बच्चों, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये है C6H6 यानी बेंजीन, और जब बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, मेथिल क्लोराइड, CH3 जहाँ पे दिखे मेथिल है समझ लो, और ये Cl है क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड से कराते हैं बच्चों, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, तो टालुइन बनता है, यानी C6H5CH3 टालुइन बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक ना, और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, यानी इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम आगे रिएक्शन को देखते हैं। चौथी अभिक्रिया है बच्चों, ये भी अब की बार 3 सेट में आया था, ठीक, देखिए अगर आप जितना हम आज बता रहे हैं इस वीडियो में बस इतना रिएक्शन आप रट लीजिए, बस ये मान के चलिए इसके बाहर का में भी हो सकता है 1-2% चांस हो बच्चों, लेकिन उतने के चक्कर में आप क्या है ज़्यादा परेशान ना होएं तो ही ठीक है, है ना, इसलिए ये जो 13 रिएक्शन हैं आप ये मान के चलिए कि इन्हें आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना, आप कैसे करेंगे, रट्टा मारेंगे कि लिख के तैयार करेंगे बच्चों, आप पर निर्भर करता है ना, क्योंकि कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा, इसलिए क्या कोशिश होना चाहिए बच्चों कि आप जितना ज़्यादा इसको कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जो चौथी अभिक्रिया है बच्चों, स्मिट अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा कि जब एसिटिक अम्ल जानते हैं सिरके का प्रमुख घटक होता है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रेजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनती है, और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं अपन, बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। देखिए जो ये अभिक्रिया बोलता है बच्चों, इसलिए देखिए फार्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको एसिटिक अम्ल का फार्मूला ही नहीं पता तो आप रिएक्शन कैसे बनाओगे, है ना, इसलिए क्या है रिएक्शन जो में जो भी आपके ये फार्मूले यूज़ होते हैं उनको भी आप कोशिश करिए कि रट्टा मारिए कैसे करना है, आई डोंट नो, लेकिन तैयार करिए। क्या कह रहा है कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रेजोइक अम्ल HN3H से कराते हैं, क्या बनता है बच्चों, मेथिल एमीन, देखिए CH3 है मेथिल है और NH2 को एमीन पढ़ा जाता है तो मेथिल एमीन बन गया, ठीक, और COO है तो इसलिए CO2 निकल गया, और यहाँ पर N3 था, N1N यहाँ ले लिया तो N2 नाइट्रोजन गैस बन गया, तो
तो ये होता है स्मिट अभिक्रिया। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवी अभिक्रिया है बच्चों रीमर टीमन अभिक्रिया, या इसी को कहीं पर लिखा रहता है राइमर टीमन। ठीक, रीमर टीमन या राइमर टीमन दोनों सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइमर टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब फिनॉल में, देखिए फिनॉल किसे कहते हैं बच्चों, ये पूरी संरचना बेंजीन की है और बेंजीन के ऊपर OH लगा दो तो उसी को अपन फिनॉल कहते हैं। वैसे फार्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिखा जाता है C6H5OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो जब फिनॉल में क्लोरोफार्म मिलाकर, क्लोरोफार्म यानी CsCl3, क्लोरोफार्म मिला करके NaOH के साथ यानी कास्टिक सोडा के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर अगर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और इस अभिक्रिया को बच्चों राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफार्म मिला करके NaOH के साथ कराते हैं, या क्या है क्लोरोफार्म मतलब फिनॉल को क्लोरोफार्म के साथ मिला करके NaOH के साथ इसे गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, यानी इसी में CHO लगा दीजिए। ये CHO को क्या पढ़ते हैं अपन, इसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसी वलय में CHO लगा दो बच्चों, एल्डिहाइड हो गया तो सैलिसिल एल्डिहाइड। और यहाँ पे Na था, Cl था, NaCl साल्ट यानी लवण बन गया और यहाँ से क्या है H है OH है तो यानी जल की मात्रा बाहर हो गई। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों राइमर टीमन या फिर रीमर टीमन अभिक्रिया। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे अभिक्रिया को देखते हैं। और हाँ ध्यान से देखिएगा, फिर आपको बता देते हैं बच्चों जो भी नए स्टूडेंट हैं, आप बस इतना रिएक्शन तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपको किसी अदर रिएक्शन को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड केमिस्ट्री में बस आप ये 13 रिएक्शन अच्छे से रट लीजिए, बाकी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी हम करवा देंगे, आप परेशान मत होइए। ओके चलिए, चलो छठवीं अभिक्रिया है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और अब की साल तीन सेट में, हाँ तीन या दो सेट में अब की साल ये भी पूछा गया था। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ही सिंपल है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहता है उसको देख लेते हैं कि जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं, अब एल्डिहाइड में बच्चों चाहे फार्मेल्डिहाइड हो बेंजेल्डिहाइड, यहाँ पे चाहे C6H5CHO ये भी लिख सकते थे, यहाँ पर कह रहा है कि एल्डिहाइड की क्रिया, अब चाहे वो क्या है एल्किल ग्रुप का हो चाहे एरिल का, यानी चाहे फार्मेल्डिहाइड ठीक इस तरह से यानी एल्किल ग्रुप का हो या फिर एरिल का यानी C6H5CHO लिख दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं चाहे NaOH लिखिए या फिर यहाँ पर KOH लिखिए, ठीक कोई दिक्कत नहीं, क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों एल्कोहल व सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है और इस अभिक्रिया को ही कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है HCHO यानी फार्मेल्डिहाइड लिया गया है और कास्टिक सोडा, जब इसकी क्रिया कराते हैं तो CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल, यही तो कह रहे हैं ना एल्कोहल बनता है और सोडियम या पोटेशियम लवण। देखिए HCOO यानी ये क्या है Na, ये इसको सोडियम, वैसे देखेंगे तो बच्चों सोडियम फार्मेट पढ़ा जाता है, ये क्या है एक प्रकार का साल्ट यानी लवण है। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक ना, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर हम आगे रिएक्शन को देखते हैं। सातवीं अभिक्रिया है बच्चों रोजेन मुंड अभिक्रिया। रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, वैसे सारे के सारे रिएक्शन इम्पोर्टेंट ही हैं, है ना, हमने आपको पहले में शुरू में ही बता दिया था। देखिए रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या कहता है उसको देखिए, जब एसिड क्लोराइड का PD यानी पैलेडियम या फिर बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि जब एसिड क्लोराइड का PD या BaSO4 व उबलती जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों रोजेन मुंड अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ही क्या है एसिटिल क्लोराइड है, ठीक ना, एसिटिल क्लोराइड है और उसके बाद यहाँ पर H2 है, यही तो कह रहा है ना कि हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं और किसकी उपस्थिति में PD या BaSO4 व उबलती जाइलीन,
ठीक, इसकी उपस्थिति में जब हाइड्रोजन द्वारा इसका आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, यानी CH3CHO ये क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का एक यौगिक बन गया है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया है। बात समझ में आई? तो ये रहा रोजेन मुंड अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आठवीं अभिक्रिया है बच्चों हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, या इसी को हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया करके पूछा जाएगा, कन्फ्यूज मत होना, हाफ मान ब्रोमेमाइड या हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया दोनों सेम है, ठीक। तो ये अभिक्रिया क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा, जब एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड, ठीक ना, एलिफैटिक का मतलब क्या है बच्चों, देखिए हमने पहले ही बताया था जिसमें कार्बन की खुली श्रृंखला होती है, ठीक, जैसे सी फिर सिंगल बॉन्ड सी सी ऐसे करके, ठीक ना, इस तरह से ऐसे, ठीक, कह रहा कि एलिफैटिक या एरोमेटिक, और एरोमेटिक में क्या होता है, एक बंद श्रृंखला, जैसे ऐसे हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक, यहाँ करने के बाद ऐसे कर दिया ऐसे, तो इसमें क्या है, पूरा वलय क्या हो, बंद हो। तो वही कह रहा है कि जब एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिडामाइड या एसीटामाइड इसी को कहते हैं, को द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटाश के जली विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको बता दें, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से देख करके जाइएगा, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। क्या कह रहा, देखिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या एसीटामाइड, इसी को एसीटामाइड या एसीटामाइड बोलते हैं, एसीटामाइड वही कह रहा ना, एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड, तो ये एसीटामाइड है और किसके, द्रव ब्रोमीन यानी Br2 द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास, चाहे NaOH या फिर KOH कोई भी लिखिए, के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, क्या बनता है बच्चों, प्राथमिक एमीन यानी मेथिल एमीन बन गया, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बन गया, 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और साथ में ही जल के कुछ अणु बाहर निकल गए। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगली अभिक्रिया है बच्चों अभिक्रिया नंबर 9, नौवीं अभिक्रिया है एल्डोल्ड संघनन। ये भी 2022 में पूछा गया था कि एल्डोल्ड संघनन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि जब कार्बोनिल यौगिक, जब बच्चों कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक ना, यानी जब कार्बोनिल यौगिक तनु NaOH या फिर K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं तो उसे एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कह रहा है कि कार्बोनिल यौगिक जैसे CH3CHO और CH3CHO ये क्या है, इसको कार्बोनिल यौगिक बोला जाता है। वैसे ये क्या है, दोनों एसीटाइल्डिहाइड है, और ये क्या कह रहा है बच्चों, तनु NaOH या फिर K2CO3 इन दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, इसकी उपस्थिति में संघनित होकर यानी अपने आप ये संघनित होकर के एल्डोल बनाए, यानी CH3CH कोष्टक में OH फिर CH2CHO एल्डोल बनाए, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगली अभिक्रिया बच्चों अभिक्रिया नंबर 10, दसवीं अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण। ये भी आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, जब कह रहा है कि एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है और इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, क्या कह रहा है, जब एल्काक्साइड, देखिए ओ लगा है तो ऑक्साइड पढ़ा जाता है, यहाँ से देखिए सोडियम एथॉक्साइड, Mg लगा होता मैग्नीशियम एथॉक्साइड, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर जैसे के लगा देते तो पोटेशियम एल्काक्साइड मतलब एथॉक्साइड, इस तरह से। तो क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड, ठीक, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया किससे कराते हैं बच्चों, एल्किल हाइलाइड C2H5
आई से। अब देखिए चाहे यहाँ पर सी एस थ्री आई लिख दीजिए, सी एस थ्री बी आर लिख दीजिए, सी एस थ्री सी एल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एल्किल होना चाहिए, यहाँ पर हैलोजन तत्व तो होना चाहिए बस। हैलोजन यानी क्लोरिन्स परिवार के तत्व तो यानी वर्ग 17 के, और यहाँ पर सी एस टू लिखिए, सी टू एस फाइव लिखिए, सी थ्री एस सेवन लिखिए, इस तरह से। तो वही कह रहा है कि जब एल्काक मतलब जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ से एल्काक्साइड का एक एग्जाम्पल है और ये एल्किल हाइलाइड का, ठीक। दोनों को जब गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है यानी सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर सी एस थ्री लिखते सी एस थ्री तो दोनों तरफ सी एस थ्री यहाँ पर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये ईथर का ईथर समूह का कोई यौगिक बन गया है, बस इतना ध्यान दीजिए। ईथर बनता है और उसके बाद यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, ये क्या है, सोडियम आयोडाइड। इस अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। बात समझ में आई, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगली रिएक्शन है बच्चों हैलोफार्म अभिक्रिया। हैलोफार्म अभिक्रिया क्या है, हालांकि ये तो अब की बार नहीं पूछा गया था, लेकिन ये मान के चलिए कि आपके अब की बार यानी 2023 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक। हैलोफार्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या है वह अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह, सी एस थ्री है तो मेथिल पढ़ते हैं, हम शुरू से ही बताते चले आए हैं, और सी ओ है तो बच्चों कीटोन पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो हैलोफार्म बनाते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, हैलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एसीटोन है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री। अब चाहे यहाँ पे क्या है, आप कोई कीटोन वाला समूह मतलब कीटोन समूह का कोई यौगिक लीजिए एग्जांपल, या फिर एल्डिहाइड जैसे सी एस थ्री सी एच ओ ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। वही कह रहा है कि जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन हो और क्या है, हैलोजन के साथ, यहाँ पर क्या है सी एल टू लिखिए, बी आर टू लिखिए, आई टू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हैलोजन हो गया, और साथ में ही क्षार के जलीय विलयन एन ए ओ एच या फिर के ओ एच, इस तरह से क्षार के जब जलीय विलयन की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं इनको, तो क्या बनता है बच्चों, हैलोफार्म यानी सी एच फिर उसके बाद एक्स थ्री। एक्स थ्री का मतलब जहाँ यहाँ पर जो कुछ भी होगा, सी एल है तो सी एल थ्री, बी आर है तो बी आर थ्री, आई है तो आई थ्री, ये मान के चलिए। तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, सी एस सी एल थ्री क्लोरोफार्म बन रहा है बच्चों, मेन यही है आपका, यही तो है ना, क्लोरोफार्म बनाते हैं ये, यानी क्लोरो ये हैलोफार्म, ठीक है ना। अब यहाँ पर सी एल है तो क्लोरोफार्म, बी आर होता तो ब्रोमोफार्म, आई होता तो आइडोफार्म, और साथ में ही क्या है, साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड बन गया, और सोडियम एसीटेट बन रहा है और जल की कुछ मात्रा। बात समझ में आई, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगली अभिक्रिया को देखते हैं। चलिए 12वीं रिएक्शन है बच्चों हुंसडीकर अभिक्रिया। देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया 2022 में ये अभिक्रिया भी पूछी गई थी, ठीक, कि हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, वसी यानी जिसमें वसा हो, ठीक है ना, फैट हो, वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, हमने यहाँ पर CH3COAg ये क्या लिया है, एक क्या है सिल्वर लवण लिया है, ठीक, और CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया कराए हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बन गया और सिल्वर ब्रोमाइड बन गया और साथ में CO2 गैस बाहर निकल गई। तो इस रिएक्शन को बच्चों कहते हैं हुंसडीकर रिएक्शन यानी हुंसडीकर अभिक्रिया। बात समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों सैंडमायर अभिक्रिया, और आज की ये अंतिम अभिक्रिया है, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें बच्चों तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इन्वॉल्व होता है, ठीक, सैंडमायर अभिक्रिया। अब की साल भी पूछा गया था एक सेट में, लेकिन इम्पोर्टेंट है, कभी कभार तो ये रिपीट हो जाता है तो दो तीन सेट में लगातार दे देता है,
सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें डाई एजोनियम लवण के विलयन को HCl में बने CuCl विलयन के साथ क्रिया कराने पर डायो एजो मतलब डाई एजो समूह यानी N2Cl प्रतिस्थापित हो जाते हैं यानी बाहर चले जाते हैं, उस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, एक डाई एजोनियम लवण है C6H5N2Cl, ठीक है ना, ये एक डाई एजोनियम लवण है और इसको HCl में बने CuCl विलयन के साथ जब बच्चों क्रिया कराते हैं तो क्या बन रहा है, डाई, देखिए इसमें से ये N2Cl प्रतिस्थापित हो जाएंगे यानी N2 नाइट्रोजन गैस बाहर ये निकल जा रही है और उसके बाद यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl। तो ये रही बच्चों आज की 13 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ, ठीक ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, इतना लिखना पड़ता है बच्चों, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और इसकी PDF बच्चों हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।